हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फर्स्टली अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोगों की वजह से मतलब सारी माओं को बहुत 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 प्यार और शुभकामनाएं इस चीज के लिए। और अभी बज रहे हैं 12 और सीन ऐसा है कि यूजुअली मैं मदर्स डे भूल जाता हूँ और मतलब मैं 12:30 बजे मम्मी मेरे को खुद याद दिलाती है मदर्स डे स्टार्ट हो गया है और तूने विश तक नहीं किया। तो इस टाइम मैंने सोचा मैं क्यों ना ब्रिंग इन पे ही कर देता हूँ। मम्मी के हिसाब से तो मम्मी को तो लग रहा है कि मेरे को याद नहीं है, मगर मैंने केक ऑर्डर कर दिया है। केक ऑलरेडी मंगा दिया था मैंने और मम्मी ने पूछा कि केक किसका, तो मैंने बोला अरे बिल्डिंग में एक फ्रेंड का बर्थडे है उसके लिए है और मम्मी मान लिए थे। और मैंने पिज्जा भी ऑर्डर किए उसके लिए भी मैंने वही बोला और मम्मी माँ भोली होती है तो मान लेती है सब बातों पर, तो मम्मी मान लिए। तो चलिए सबसे पहले ब्रिंग इन करते हैं, मम्मी से मिलते हैं, मम्मी को विश करते हैं, केक काटते हैं और पिज्जा खाते हैं। चलिए तो मम्मी बाजू वाले बेडरूम में, तो चलिए मम्मी को पहले विश करते हैं और फिर केक। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। इस साल देखो हमको याद था। हाँ। और केक भी तुम्हारे लिए ही है। मैंने मम्मी को बोला था दोस्त के बर्थडे का केक है और वो तुम्हारा ही केक है। अरे तभी तो मैं तुम्हें फोन की कि 12 बज गया तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे तो केक लेने नहीं आए, तो तुम बोले सुबह मनाओ। अरे इस बार याद है पोटी को। तो चलिए अभी केक काटते हैं सबसे पहले और फिर हम पिज्जा खाएंगे। ये देख क्या है, और ये देखिए क्या ही लिखे हैं भाई साहब ने, हैप्पी मदर्स डे। समझ में नहीं आ रहा है, मगर कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन में क्या ही कर सकता है इंसान। ये देखिए यहाँ बैठ गई सर। मुंह पे तेल तेल एकदम लगा। हाँ तेल लगाई, सर दुख रहा था तो इसलिए। तो मुंह पे तेल कौन लगाता है? अरे मुंह पे वो क्रीम लगाई, देखो इतना बड़ा दाना निकल रहा था। ठीक जला देते हैं। Happy Mother's Day to you. अरे फूक तो मारो पहले। Happy Mother's Day to you. Me. Happy Mother's Day me. और मेरी मम्मी, मेरा मेरी अम्मा गांव में, ये मेरी अम्मा के लिए गांव में, ये मेरे तो भी का। Happy Mother's Day. Thank you. पागल हो रहे हैं, इनको पता चल जाता है ना केक है। और केक हो गया, अभी और से केक खाएंगे, अभी ये भाई साहब खाएंगे बस। और अब हम पिज्जा खाएंगे, अब हम पिज्जा खाएंगे और पार्टी करेंगे। और इस टाइम मैंने पिज्जा मोजो पिज्जा से मंगाया है। एक्चुअली मेरे बहुत दोस्त लोग बोलते हैं ना, मेरे को बहुत रेकमेंड कर रहे थे बहुत दिनों से, उन लोगों ने बोला बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो मैं कहा चलो मैं भी एक ट्राई देता हूँ। और इनकी बेस्ट पार्ट होती है 2x टॉपिंग, मतलब आप कोई भी पिज्जा मंगाओ इनका जो टॉपिंग रहता है वो 2x रहता है, मतलब डबल रहता है यूजुअली बाकी सारे ब्रांड से। और ये देखिए हमारे मोजो पिज्जा आ चुके हैं, ये वेज है ग्रीन सील के साथ और ये है नॉन वेज, पेरी पेरी पनीर और पेरी पेरी चिकन। और मम्मी आ जाओ अभी हम खाएंगे इसको। मैं तुम्हारे लिए देखो पनीर मंगाया है पेरी पेरी। तो मोजो पिज्जा का बेस्ट ये है कि मतलब हार्डली 25 मिनट्स लगा मेरे को डिलीवर कराने में, डिलीवरी 25 मिनट के अंदर हो गई थी और इन लोगों का भूलने की ये लोग 28 मिनट्स के अंदर ही डिलीवर करते हैं, मतलब बहुत जल्दी। और अभी भी गर्म है पिज्जा और स्मेल भी अच्छा आ रहा है ना। और ये इंडिया का हाईएस्ट रेटेड पिज्जा डिलीवरी चेन है, तो बात बहुत हो गई है, पहले कुछ पेट पूजा किया जाए। ओहो मतलब फुली लोडेड। देखिए मैं ये बोल रहा था 2x टॉपिंग्स, मतलब जो भी ऊपर टॉपिंग्स रहता है वो डबल रहता है बेसिकली, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटर ब्रांड में इतना टॉपिंग कभी नहीं रहता है। और इनका बेसिकली जो 10 इंच पिज्जा है जो मैंने अभी ऑर्डर किया है, ये बाकी मीडियम साइजेस से ज्यादा रहता है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर ब्रांड आप ले लो उससे बड़ा ही है पिज्जा। फ्रेंड्स लोग हमेशा तारीफ करते हैं, तो मैं आज ट्राई करूंगा ये पिज्जा फर्स्ट टाइम। और खाओ फिर पनीर। कैसा है? अच्छा है। हाँ जी। पनीर बहुत ज्यादा है ना? पनीर बहुत ज्यादा है इसमें, सब यही ज्यादा ही रहता है इसमें, मतलब डबल टॉपिंग रहता है ना, तो जो कुछ भी अपन ऑर्डर करते हैं ना उसमें सब कुछ ज्यादा देते हैं उसमें। पनीर भी बहुत ज्यादा है और बहुत सॉफ्ट भी है, अच्छा है और गर्म भी है ना अभी भी। बहुत अच्छा फ्लेवर है। मैं पेरी पेरी पनीर पहले भी बहुत सारे ब्रांड का खाया हूँ, मगर इसका टेस्ट बेस्ट है अब तक, मेरे को तो अब तक पर्सनली एक बाइट में बेस्ट लगा। हाँ
और टॉपिंग इतना है ना, मेरा तो पूरा मुंह भर जा रहा है, इतना ज्यादा इन्होंने ऊपर से टॉप करके दिया है। और मेरे ख्याल से यही रीजन है कि ये इंडिया का हाईएस्ट रेटेड पिज्जा डिलीवरी चेन है। और मैं समझ सकता हूँ कि, और जो मेरे फ्रेंड्स इतने टाइम जो मेरे को रेकमेंड कर रहे थे, अब मैं समझा वो एकदम 100% राइट थे कि ये वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा है। और ये मेरा नॉन वेज, और ये भी पेरी पेरी चिकन है। मतलब सच में इतना टॉप टॉप मैंने कभी पिज्जा नहीं देखा है। और ये नॉर्मल मीडियम 10 इंच पिज्जा है। चिकन भी पनीर जितना ही टेस्टी है, पनीर से बेटर है उल्टा, क्योंकि मेरे को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए और पहले मैं खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ। चिकन पीसेस इतने ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ ये सब इतना ज़्यादा है ना इसमें, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। प्लीज़ ट्राई कीजिए मोजो पिज़्ज़ा, और मेरे को अंकित ने रिकमेंड किया था, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडेशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मेरे को पता है भाई तुम जब ये ब्लॉग देखोगे तो सॉरी लॉकडाउन खत्म होगा, साथ में सब एकदम मिल के बैठ के मोजो पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे, मगर अभी के लिए मैं अकेला एंजॉय करूंगा। और मोजो पिज़्ज़ा मुंबई, पुणे, बैंगलोर और दिल्ली NCR में अवेलेबल है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इनके डायरेक्टली ऐप से ऑर्डर करोगे ना, तो आपको फर्स्ट 3 ऑर्डर्स में 200 ऑफ मिलेगा। आपको बस एक कोड यूज करना है, दैट इज मोजो पिज़्ज़ा। बेसिकली एक तो साइज बड़ा है इसका, मीडियम से नॉर्मल मीडियम, दूसरे कॉम्पिटेटिव ब्रांड के मीडियम से ज़्यादा साइज इसका बड़ा है। ऊपर से 2x टॉपिंग है, मतलब जो भी आप टॉपिंग रहेगा आपका वो डबल रहेगा। और पहले 3 ऑर्डर डायरेक्ट आप ऐप से करोगे तो आपको 200 ऑफ मिलेगा और ऑर्डर पे, मतलब टोटली वैल्यू फॉर मनी है। डू ट्राई मोजो पिज़्ज़ा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैं पिज़्ज़ा एंजॉय करूंगा, भरपेट खाऊंगा और उसके बाद मिलता हूँ आप सभी से। और मेरा पिज़्ज़ा खा के हो गया है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा, मैं बस 3 स्लाइस खाया, मतलब फिर भी इतना हैवी हो गया है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी और ऊपर से इतना लोडेड था कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है भाई। तो बस अभी मैं थोड़े टाइम में सो जाऊंगा और आपसे मिलता हूँ मैं कल सुबह। अभी का यही था ब्रेकिंग, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन तो नहीं था, बस यही था मम्मी को विश करना था, एक छोटा सा सरप्राइज मम्मी के लिए। और मैंने गिफ्ट नहीं लिया इस टाइम मम्मी के लिए, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से कुछ अवेलेबल नहीं है। एक बार ये लॉकडाउन हट जाए तो फिर मदर्स डे का गिफ्ट मम्मी को दे देंगे, उस समय दिखा दूंगा आप सभी को। तो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, एक्चुअल में गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ और आज फर्स्टली तो मैं अभी पेट स्टोर जाऊंगा, क्योंकि ऑसी को थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए लोशन और पाउडर लेने, और उसके बाद मैं मासी के घर पे जाऊंगा, क्योंकि मदर्स डे यार, और मासी भी माई है मेरी, तो और दोनों एक ही एरिया में पेट स्टोर और मासी के घर, तो वहाँ चलेंगे। तो चलिए, थोड़ा लेट भी हो चुका है, तो फटाफट पहले सबसे पहले नाश्ता करूँगा, तो नाश्ता करूँगा उसके बाद निकलता हूँ मैं। ये देखिए मम्मी अम्मा से बात करते हुए। तो मैं निकल चुका हूँ अभी, और यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, एटलीस्ट धूप अभी बिल्डिंग में नहीं लग रही है, बाहर तो ऑब्वियसली धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं 2 पेट क्लिनिक देख चुका हूँ और बंद था दोनों, तो अभी शायद से मैं डायरेक्ट कल ओसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँगा, वही बेस्ट रहेगा। और अभी चलिए मासी घर पर चलते, और केक मिला नहीं ऑब्वियसली, अभी तो मैंने डेयरी मिल्क ले लिया है मासी के लिए, मुँह मीठा कराने के लिए। तो चलिए अब मासी घर पर चलते हैं डायरेक्ट। और ये देखिए सो रही थी, ये खूब सोती हो तुम, क्या करे बेटा लॉकडाउन में क्या करेगा। ये कहा भागी फ्रेंड से, क्या बोल रही थी, फिर अचानक से टिंगता हूँ, और इसको कौन आ गया। अरे अभी मैंने बहुत गंदी लग रहा है। तुम अच्छी कब लगती हो यार, हमेशा कभी नहीं मैं लगती हूँ या जेलस लगती हूँ। अरे निकलो तुरंत, चुप रहो, ये लो तुम्हारे लिए एक डायरी। सच्ची देखो पीछे आ रही है। बागी ये लो, नहीं मुझे पता नहीं दो। अरे हम क्या पा किलो लाए थे, फिर तू मुंह बना लेगी। सच्ची ले रहे हो, थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। हां पा किलो क्या की। कुछ नहीं दम, मतलब बेकार हो, स्टोरी डाली बेकार हो तुम। अरे तो अभी अभी मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैं कुछ नहीं की, कोई बात नहीं लॉकडाउन के बाद कर लूंगी। तुम जरूर करोगी लॉकडाउन के बाद। मैं करूंगी, इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करते हो मुझे, आई विल डू इट, यू विल सी। अभी मम्मी का बर्थडे है ना दिसंबर में, फिर करूंगी। अभी मम्मी का बर्थडे अभी आ रहा है दिसंबर में, पर अब तक लॉकडाउन में भी खुल जाएगा। अभी तो तुम्हारी मम्मी का बर्थडे आ रहा है 26 को, पार्टी करेंगे। तुम नॉट इनवाइटेड, मुझे इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी बिन बुलाए। यू आर नॉट इनवाइटेड प्रिंसेस, आई विल कम।
यू आर नॉट इनवाइटेड यू डोंट नीड टू इनवाइट मी आई विल कम ऐसे ही आई डोंट नीड एन इनविटेशन मैं वो फ्री पैकेज के डील के तरह मम्मी आएगी तो मैं भी आऊंगी पीछे पीछे मम्मी आएगी पा बस आएगी नहीं आप लोग देखना चाहते हैं ना मुझे उस व्लॉग में तो कमेंट करके बोलिए हाँ डेफिनेटली आप लोग मुझे देखना चाहते हैं ना तो कमेंट करके बोलिए कि हमें प्रिंसी चाहिए उस व्लॉग में नो फिर मैं आऊंगी नो हक से बहुत घिनौने हो यार यू आर वेरी बैड अच्छा वो छोड़ो आंसर करो तो अभी प्रिंसी का टेस्ट चालू है यहाँ पे और मेरे पास क्वेश्चन पेपर है तो मैं इधर से क्वेश्चन पूछूंगा और फिर देखते हैं वो आंसर कर पाएगी कि नहीं बहुत वीक है स्टडीज में ये ऐसा कुछ नहीं है अरे नहीं खाएंगे यार कितने बार मना करना पड़ेगा इनको तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए प्रिंसी एक तो तुम्हारा हैंडराइटिंग इतना गंदा है ना प्रिंसी तो अब हम पहला क्वेश्चन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल्स व्हाट वही तुमको आंसर देना है उसका ये क्या हुआ ये आंसर तुमको देना है क्या पढ़ी हो क्या था लेके क्वेश्चन बोले ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल इट्स एन इनकंप्लीट क्वेश्चन नहीं हां स्केड्यूल के बाद क्वेश्चन मांगे हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ी भी हो एकदम पढ़ी नहीं है मम्मी इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं चलो एक और पूछते हैं तुमको एक और पूछते हैं सही से पूछोगे तो बताएगी ना सही से पूछे बताई नहीं पा रही है ये पढ़ ही नहीं है ये बस इंस्टाग्राम पे पढ़ी रहती है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसी तुम्हारे लिए रिलेटिवली अच्छा ये तो बेकार क्वेश्चन है ये बताओ चलो ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ पूरा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का फॉर्मूला स्टेटमेंट व्हाट डज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस एक्सपेंशन ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पूरा गलत पूरा राइट इधर देखो एक्सपेंशन ऑफ इसीलिए तो पूछा वही तो मेरा ट्रिक क्वेश्चन था तुमको बोलना चाहिए था गलत है किया है उसी को बोल रहा ये दिस वाज ट्रिक क्वेश्चन नो दैट वाजंट अ ट्रिकी क्वेश्चन दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन कट है सीधा सीधा मतलब गलत वही तो ट्रिक क्वेश्चन था अच्छा एक और फाइनल क्वेश्चन तुम्हारा एनी थ्री कुछ भी तीन बताओ कुछ भी तीन क्या बताओ ये पेज पे जो भी तीन चीजें हो बताओ अरे मुझे क्या पता पेज पे क्या है कुछ तुम लिखी हो ना अरे मैं मुझे थोड़ी पता कौन सा पेज है उसमें 10 पेजेस हैं अच्छा ईडी का फुल फॉर्म क्या है ईडी एकदम नहीं पढ़ी है ना तू अरे एकदम नहीं पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स पढ़ी और ईडी नहीं पता देखो क्या है हां मैं एकदम कंफ्यूज हो गई क्या ईडी तुमको तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रही हो ना हम तो साइंस वाले थे हमको भी पता ईडी क्या है तुमको नहीं पता अच्छा पास नहीं हो पाओगी तुम फेल ही होने वाली हो फेल हो तुम यार प्रिंसी क्या है ईडी जल्दी बोलो कुछ भी नहीं ये देखो ईडी अरे यार ए भगवान ऐसे तो मैं सच्ची फेल हो जाऊंगी ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे गए एग्जाम में तो मैं सच्ची फेल हो जाऊंगी कुछ भी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है बड़े होने के बाद तो वो अपने बाप बन जाते हैं जब ये छोटा था तब गोद में फुदुक फुदुक के चढ़ता था मेरे अरे मगर दुख नहीं रहा यार पा भी बोलते हैं ये मेरा बेटा छोटा था तब अच्छा था हम जा रहे हैं बाय नहीं अभी तुम खाना खा के जाओ छोला बाय बाय छोटे बाय पढ़ाई करो कर ही रही हूँ इनलॉजिकल क्वेश्चन पूछ के मैं दिमाग खराब कर दिए पढ़ी लिखी है नहीं इनलॉजिकल क्वेश्चन खुद पूछ रहे बोल मुझे रहे हैं पढ़ो निकलो चलो जाओ बाहर जाओ अरे नहीं खाएंगे यार दो सवाल पूछ अरे क्या पागल चलो पढ़ाई करो बाय बाय तो मैं मासी के घर से अपने घर जा रहा था और उतने मेरे को भाभी का मैसेज आ गया कि शूट करना है तो घर पे आ जा तो अब मैं भाभी के बिल्डिंग घर जा रहा हूँ और आई गेस सो अब ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे टाइम लग जाएगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपने मदर्स डे के लिए अपने मॉम के लिए क्या किया और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन
और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।